कानपुर में बवाल के बाद पुलिस सतर्क मोड में आ चुकी है। कानपुर पुलिस ने कल पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। उधर यूपी के दूसरे शहर अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने धर्मगुरुओं के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए बैठक की। मोहम्मद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद से देश और दुनिया में घमासान मचा है। इसी बीच कानपुर पुलिस ने पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले हर्षित श्रीवास्तव नाम के बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी युवा मोर्चा के मंत्री हर्षित श्रीवास्तव की गिरफ्तारी कर्नलगंज इलाके से हुई। अभी तक की टोटल 50 गिरफ्तारियां हुई, जब से घटना घटित हुई 50 गिरफ्तारियां हुई, उसमें करीब एक व्यक्ति ने अपने आप सरेंडर किया है और करीब 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। औरों के नाम पता हमें चल गए हैं, कुछ 10 से 12 लोगों के औरों के नाम पता लगाए जा रहे हैं और फिर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं अलीगढ़ में कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन ने धर्मगुरुओं के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए बैठक की। कलेक्ट्रेट में हुई पीस कमेटी की बैठक में धर्मगुरुओं ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने से परहेज करने की गुजारिश की। सर, धर्म एक मीटिंग पीस कमेटी मीटिंग जैसे होती है, वो जिलाधिकारी एवं मेरे द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर ली गई है और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के संबंध में हो, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बारे में हो, या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंटिंग आदि के बारे में हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ता हो, इसके बारे में की गई। और अन्य मुद्दे भी जो होते हैं कि कैसे जो पहले भी यहाँ पर जो सिस्टम हम लोगों के रहे हैं और जैसे लोग यहाँ पर अमन चैन के साथ रहते हैं, जो सौहार्द मोहल्लों में है, उसके बारे में चर्चाएं चली। एक सामान्य मीटिंग थी, ऐसा कोई विशेष बात नहीं थी। धर्मगुरुओं ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अलीगढ़ में अमन चैन बरकरार रहेगा, जिससे तहजीब और तालीम के शहर की अलग पहचान बनी रह सके। एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम मजहब के लोगों को, तमाम मजहब के रहनुमाओं को और अच्छे लोगों को बुलाया गया था और उसका मकसद ये था कि अलीगढ़ जिस तरीके से अब 2006 के बाद दंगों से मुक्त हो चुका है, तालीम और तहजीब का शहर है, वो गंगी जमनी तहजीब बरकरार है। उसमें अच्छे लोगों ने और मजहब के तमाम धर्म गुरुओं ने अपने अपने व्यूज रखे, क्या किया जा सकता है, कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है और कैसे इसको बचाया जा सकता है। हिंदू धर्म गुरुओं ने भी कहा कि गंगा जमुनी तहजीब ही हमारी विरासत है। सभी धर्मों के धर्म गुरु एवं संभ्रांत नागरिकों का यहाँ बैठक में सभी लोग बैठे हैं, तो जिस तरह से चल रहा है उसी विषय पर ही मीटिंग करी गई ताकि अलीगढ़ शहर का माहौल ना बिगड़े। आपस में हमें किसी के भड़कावे में नहीं आना है, किसी एक के बयान के पीछे, ये नहीं जैसे कानपुर में घटना हुई कि एक के बयान के पीछे सभी लोग सड़कों पर घूमें। और उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, ये सभी जानकारी प्रशासन ने दी। जैसा कि हमें भी मालूम है, अगर कोई भी अपराधी किसी भी धर्म मजहब से या किसी भी वर्ग से आएगा, वो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए शांति सद्भाव बनाने में सहयोग करें। कानपुर हिंसा के बाद पूरे देश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जिससे कहीं भी फिर वैसी हिंसा ना भड़क सके। कानपुर से रंजय सिंह के साथ अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम खान, आज तक।